नमस्कार दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम के कप्तान विराट कोहली इस समय इंग्लैंड में हैं। भारत इंग्लैंड पांचवा टेस्ट मैच रद्द होने के बाद कप्तान कोहली और गेंदबाज मोहम्मद सिराज को जल्द यूएई बुलाने के लिए आरसीबी की फ्रेंचाइजी ने चार्टर्ड फ्लाइट बुक कर ली है। विराट कोहली और मोहम्मद सिराज शनिवार रात को मैनचेस्टर से रवाना होंगे और रविवार की सुबह यूएई पहुंच जाएंगे। आरसीबी टीम से जुड़े सोर्स ने एक बातचीत करते हुए बताया कि विराट कोहली और मोहम्मद सिराज शनिवार को इंग्लैंड समय अनुसार रात 11:30 बजे मैनचेस्टर से रवाना होंगे। दोनों खिलाड़ी रविवार की सुबह दुबई में पहुंच जाएंगे। दोनों खिलाड़ियों के लिए फ्रेंचाइजी ने चार्टर्ड फ्लाइट की व्यवस्था करी है। विराट कोहली और मोहम्मद सिराज दुबई पहुंचकर क्वारंटीन अवधि को पूरा करेंगे। दोनों खिलाड़ी 6 दिन के क्वारंटीन को पूरा करने और सभी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद आरसीबी टीम के अन्य सदस्यों के साथ जुड़ सकेंगे। इससे पहले इंग्लैंड सीरीज खत्म होने के बाद यूएई पहुंचने पर किसी भी खिलाड़ी को क्वारंटीन पूरा नहीं करना था, लेकिन अब जब कोरोना की वजह से पांचवा टेस्ट मैच रद्द हो चुका है तो ऐसे में इस नियम में बदलाव हुआ है। भारत और इंग्लैंड के बीच में पांचवा टेस्ट मैच कोरोना की वजह से रद्द हो गया है। इसी वजह से खिलाड़ी तय समय से पहले यूएई पहुंच जाएंगे। आईपीएल 2021 के दूसरे चरण की शुरुआत 19 सितंबर से होगी। टूर्नामेंट का फाइनल मैच दुबई में 15 अक्टूबर को खेला जाएगा। 17 अक्टूबर से यूएई और ओमान में टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें विराट कोहली कप्तानी वाली टीम इंडिया पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ 24 अक्टूबर को खेलेगी। बात करें दोस्तों इस मैच के लिए, बात करें आरसीबी की टीम की, तो दोस्तों आरसीबी की टीम यहां पर पॉइंट्स टेबल में काफी अच्छी पोजीशन में, नंबर 3 पर ये टीम इस समय बनी हुई है। इनका नेट रन रेट थोड़ा सा जरूर चिंता का विषय है, बाकी पॉइंट इनके 7 मैचों में 10 हो चुके हैं, यानी कि 7 मैचों में ये 5 मैच जीत चुके हैं और इनको अब केवल और केवल 3 मैच जीतने हैं 7 में से, तो ये एक आध मैच हार भी जाते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा नहीं। लेकिन विराट एंड कंपनी चाहेगी कि उनके पास में पूरा मोमेंटम हो, पूरा मोमेंटम के साथ में वो प्ले ऑफ में क्वालिफाई करे और मेन मैचों को खेले, क्योंकि दोस्तों पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। पिछले साल टीम ने 7 मैचों में 5 मैच जीत लिए थे, उसके बाद लगातार 5 मैच हारे थे, तो इसी वजह से विराट एंड कंपनी नहीं चाहेगी कि इस बार ऐसी कोई चूक हो, तो यहां पर शुरुआती मैच से ही वो जीत दर्ज करना चाहेंगे और इनका पहला मुकाबला जो है ना सेकंड लेग में होगा केकेआर से। और केकेआर से पहली बार जब पहले फेज में जब मुकाबला होता तो आरसीबी जीती थी, लेकिन अब दूसरे फेज में केकेआर की टीम भारी पड़ती है या फिर आरसीबी एक बार फिर से इनको धूल चटाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दोस्तों आरसीबी जरूर चाहेगी कि वो जीत के साथ में इस टूर्नामेंट में दूसरे लेग में शुरुआत करे, ताकि उनको मोमेंटम मिले और उसी मोमेंटम के साथ में वो नंबर 1 और 2 पर फिनिश करे, ताकि उनको प्लेऑफ में ताकि उनको फाइनल में जाने के लिए एक एक्स्ट्रा मौका मिले। अब दोस्तों क्या आरसीबी जीत पाएगी 7 में से अपने ज्यादा से ज्यादा, मतलब 7 में से कितने मैच जीत पाएगी आरसीबी टीम, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और प्रेस करें। धन्यवाद।